मधुसूदन जी, मुझे पढ़कर के आश्चर्य हुआ। पिताजी ने कांग्रेस की स्थापना की, मुकुटलाल जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ लेकर के आए, बहुत कठिन काम था। हम बड़े गर्व से कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी हापुर की धरती में आए हैं। इन सब बातों के बावजूद भी वो जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया से जुड़े रहे, ये उनकी निडरता और सही सोच का परिणाम था। राम मनोहर लोहिया ऐसी शख्सियत थे, पार्लियामेंट में जब बोलते थे नेहरू जी उनसे कांपता था, नेहरू जी कांपते थे। और जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, एक आंदोलन आजकल चल रहा है किसानों का, हमारा किसान भाई सड़कों पर बैठे हैं, तो ये जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था युवाओं को लेकर, उसके साथ वो जुड़े थे। पार्लियामेंट तक पहुंचे, अखबारों से, कई अखबारों से जुड़ाव रहा, यहाँ के स्कूलों से, कॉलेज से आए, कन्या विद्यालय, मेरे नाम से भी स्कूल, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनसे भी जुड़े रहे और इस कॉलेज के सेक्रेटरी रहे। मुझे आश्चर्य सबसे ज्यादा ये हुआ कि व्यापार समाचार पत्र भी उनके पिताजी ने चलाया, वो भी उसके साथ जुड़े। एक शिक्षा में तो व्यापारियों की भी चिंता कर सकता है, एक शिक्षा में किसानों की भी चिंता कर सकता है, एक शिक्षा में तो अपना परिवार चलाते हुए अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देते हैं, इन सब की चिंता कर सकता है, तो मधुसूदन ही हो सकता है। हम मधुसूदन तो नाम ही भगवान का है, मधुसूदन बोलते हैं लोग इस धरती के मधुसूदन से कम नहीं थे। मैं पुस्तक को पढ़ रहा था, अनेक पुस्तकें पढ़ी है, लास्ट के पेज नंबर 148 पर समय सारणी उनकी 1920 से लेकर और आखिर तक जो उन्होंने दी है, उसमें सारा सागर लोटे में आ गया। मैं ये कह सकता हूं लोकेश जी दिल्ली में रहते हैं, मेरे नजदीक हैं और बहुत दो तीन बार मिला हुआ, ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ मधुसूदन जी के चरणों में और आज उनसे यहाँ प्रेरणा लेके जा रहा हूँ, इस धरती से, आप सब लोगों से जो प्यार मिला है। विधानसभा के विषय में अंतिम में दो बातें कहकर अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। दिल्ली विधानसभा का भी अवसर मिले आज, पर बस लेके आइए, परिवार के साथ आइए, बहुत ज्यादा दूर में डेढ़ घंटे का रास्ता है, तो आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि राजनीति का एक, जहां विधायक बोलते हैं बात रखते हैं, केवल राजनीति का ही एक ठिकाना नहीं, ये क्रांतिकारियों का म्यूजियम बन चुके हैं। और ये भी मरी जी की, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्होंने कहा था एक दिन विधानसभा को जीवंत करने उनका इशारा, और आज 73वें क्रांतिकारी का चित्र विधानसभा में कल लगने वाला है। जाकर सभा के कुछ लोग आए थे, चित्र लगे जी, नाथ सिंह जी का भी लगाई, शहर सरकार के कल लगने वाला अशोक स्तंभ, शायद पहली विधानसभा होगी 12 फुट का अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह, जिसको जाकर के देखते ही गौरव महसूस होता है। वो भी कल लगने जा रहा है केजरीवाल जी का उद्घाटन। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, 1912 में लोकेश जी ने कहा, 1926 में वर्तमान लोकसभा बन गई, महालोकसभा चलने लगी, ये जगह खाली हो गई, उसके बाद ये कोर्ट में परिवर्तित हो गई। लाल किले से जो क्रांतिकारी बंद थे, सुरंग के जरिए विधानसभा में लाया जाता था, उन पर मुकदमा चल गया था आजादी तक के पीछे, और वही एक कमरा बना हुआ है जिनको फांसी देनी होती थी, उसे विधानसभा में फांसी दी जाती थी,
अभी तक मैंने उस कमरे को खोला नहीं है, लेकिन आप खोले ना उसको भी क्रांति का रूप दे मंदिर का रूप दे रहे थे। वो सुरंग का माउथ हमने ढूंढ लिया जो सुरंग थी। ये सब पहले भी हो सकता था, मैं इसके लिए नहीं कि हाँ एक बात अंत में और कहकर इस देश की सभी विधानसभा हमारी लोकसभा के क्रांतिकारियों के मंदिर के रूप में बने। आप गेट के अंदर घुसेंगे, सबसे पहले घुसते ही दो कदम चलेंगे आपके बाई और आपको भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के स्टैचू मिलेंगे। वहीं से मन बदल जाता है, वहीं से नतमस्तक हो जाता है क्रांतिकारी। और आज मैंने हालांकि मुनि जी से बात नहीं की, मैं खुद अपनी ओर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आइए मधुसूदन जी का व्यक्तित्व दिल्ली की विधानसभा में लगातार हमें गुजरात